हो गया फैसला। केकेआर इन चार धुरंधरों को करने वाली है रिटेन। गौतम गंभीर का लाडला होगा बाहर। केकेआर ने आईपीएल 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस आईपीएल चैंपियन टीम के लिए अगला सीजन काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगले सीजन से पहले मेगा ऑक्शन होगा, जिसके तहत खिलाड़ियों को रिलीज और रिटेन किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि कितने खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा, क्योंकि आईपीएल टीमों के मालिकों ने बीसीसीआई से खिलाड़ियों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 करने की मांग की थी। लेकिन अगर बीसीसीआई इस मांग को नहीं मानता है तो सभी टीमें सिर्फ 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन कर पाएगी। ऐसे में आइए आपको बताते हैं दोस्तों कि आईपीएल 2024 का विजेता किसे अपने साथ रखेगा। केकेआर इन 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकता है। अगर बीसीसीआई 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की इजाज़त देता है तो केकेआर के लिए यह काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और बीसीसीआई सिर्फ 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने की इजाज़त देता है तो टीम काफ़ी मुश्किल में पड़ सकती है। हालांकि टीम कुछ खिलाड़ियों को खुद से बिल्कुल भी अलग नहीं करेगी। इनमें से एक है सुनील नरेन। आपको बता दें दोस्तों कि सुनील का प्रदर्शन आईपीएल 2024 में भी शानदार रहा था। ऐसे में टीम उन्हें खुद से अलग नहीं करेगी। केकेआर सुनील और रसेल को अपने साथ रखेगा। सुनील नरेन के साथ साथ केकेआर आंद्रे रसेल को भी खुद से अलग नहीं करेगा, क्योंकि यह भी उनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। वे उन्हें हर हाल में अपने साथ रखेंगे, लेकिन रसेल और नरेन को एक साथ रिटेन करने पर कोलकाता एक परेशानी में पड़ सकता है। वो ये कि इस हालत में उसे 4 की जगह 3 खिलाड़ियों को रिटेन करना होगा, और नियमों के मुताबिक कोई भी टीम 4 खिलाड़ियों में से सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी को ही रिटेन कर सकती है। रिंकू अय्यर और वरुण भी हो सकते हैं शामिल। अगर कोई टीम 2 विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो उस स्थिति में सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही रिटेन किया जा सकता है, एक घरेलू और 2 विदेशी। हालांकि दोस्तों इस नियम को RTM राइट टू मैच कार्ड के जरिए पलटा भी जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में BCCI कितने RTM कार्ड देता है यह देखना दिलचस्प होगा। अगर BCCI नीलामी में एक RTM के इस्तेमाल की इजाज़त देता है तो KKR ऑक्शन में रहकर नरेन या रसेल को रिटेन कर सकता है। कोलकाता अपने 4 रिटेन खिलाड़ियों में से श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन को रिटेन कर सकती है। साथ ही वह RTM के तहत आंद्रे रसेल को वापस ला सकती है। इन चारों के अलावा वह हर्षित राणा, मिशेल स्टॉक, नीतीश राणा समेत सभी को रिलीज कर सकती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।